खड़ जाओ तुसी सारे खड़ जाओ फिर कट्ठे जो तुसी इत्थे कनु बेचन हो जाओ इत्थे कनु हो जाओ तुसी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों माफ़ी चाहना पहला टाइम दिता सी थोनू लाइव होने का लेकिन थोड़ी देर लेट हो गया। अज एमरजेंसी दे विच बल एमरजेंसी करके एक जड़ी मीटिंग सीगी वो छेती जरा एमरजेंसी दे विच कीती गई है। बड़े ही जड़े गंभीर मुद्दों ते चर्चा कीती गई है ते समा घट सी इस करके हुण थोनू लाइव जड़े मुद्दों ते चर्चा हुई है वो थोनू दो मिनट लई सारे मुद्दे पढ़ के बचारे जाणगे। सहमति बन गई है एक्शन प्रोग्राम जड़े ले जाणगे। इस करके कुछ समय लई इलाके दियां पतवंते सज्जन शख्सियतां इत्थे हाजिर होईयां सारयां ने किसानी दे दर्द नूं समझदे होए करड़े फैसले ले ने ते इन्हां फैसलियां नूं जिहड़ा हुण तुहाडे जनतक रूबरू असीं कर देणा है ते तुसी ही साडा साथ देना सारे इलाके निवासियां ने। असीं कल्ले कुछ नहीं जे तुसी साथ दोगे तां इह जिहड़े मुद्दे है सुलझाए जा सकदे। आओ असी रल मिल के थोनू पढ़ के भी सुना देंगे कला कला मुद्दा ते हुण तुसी ये मुद्दे है जड़े सुनने है। आज सब तो पहला मैं बेनती करांगा मास्टर गुरनैब सिंह जी नू दोस्तों जी अज किसान जथेबंदियां दी मीटिंग हुई है जिस दे विच दुआबा किसान यूनियन किरती किसान मोर्चा जमहूरी किसान सभा ते नुमाइंदे प्रतिनिधि शामिल हो जो तुसी नज़र आ रहे होर भी साडे पिंडां दे हैगे नौजवान दोस्त और साडी ये बेनती है कि आने वाले समय में जो भी कोई जथेबंदी वधिया तरीके नाल काम करदी है असीं उहनूं अपना शमूलियत करन दा सद्दा भी दिंदे। अज जिहड़ी मीटिंग हुई है इस दे विच अहम मुद्दे विचारे गए। सब तो पहला अहम मुद्दा यह विचारिया गया कि जो अपना लखीमपुर गोलीकांड होया किसान शहीद होया गड्डी दे थल्ले देखा मंत्री दे मुंडे वालों मारे गए शहीद किए गए वो जिहड़े किसानां नूं समर्पित बहुत कुछ होया हिंदुस्तान दे विच सरकार नूं पेमेंट किसानां ने झुकाया गोडे टेकण मजबूर किया लेकिन अपने इलाके दे अंदर लोकां नूं चेतन करन दी खातर उहनां किसानां नूं शहादत एक समर्पित कैंडल मार्च कल शाम नूं 6 बजे नूरपुर बस स्टैंड ते कीता जा रहा है। सारे इलाका निवासियों नूं किसान जथेबंदियों नूं होर क्लबां नूं पिंड वासियों नूं इलाकियों नूं बेनती है कि कल नूं ठीक 6 बजे नूरपुर वेदी बस स्टैंड विखे इकट्ठे होके ये जिहड़ा साडा 6 तों 7-8 दे तक घंटे 1.5 घंटे का कैंडल मार्च होवेगा समर्पित प्रोग्राम और नाल बेनती यह है कि जिहड़ियां जथेबंदियां आ रही वो अपना वधिया गल है 2-2, 4-4 मोमबत्तियां जां कैंडल अपने नाल लै आउंगे अपने अपने पैकेट तां वधिया रहिण। दूसरी गल है जीरी दी इलाके दे किसान भरावो जिवें कि तुहानू पता कि लखीमपुर यूपी दे विच मंत्री दे लड़के वलों किसानां दे उत्ते तेज रफ्तार नाल गड्डी लिया के मैं कहांगा कि शर्म कतल किए गए ने किसान तशद्दद होया जुल्म दा जिहड़ा अंतिया कर दिता गया उत्थे। इस करके उस दे संबंध दे विच मैं निम्रता सहित इलाके दे एक एक बच्चे नूं एक एक किसान वीर भैण बजुर्ग माता नूं हरेक नूं बेनती करदा कि असी सारे हला तक दिल्ली नहीं जा सके क्योंकि दूर दा जिहड़ा हैगा प्रबंध सी सफर सीगा लेकिन बेनती मैं इन्नी करदा नूरपुर वेदी साडे लोकल है कल नूं 6 तरीक नूं शाम 6 बजे बस स्टैंड नूरपुर वेदी इकट्ठे होण दा समां दित्ता गया कम से कम उहनां शहीदां नूं श्रद्धांजलि देण दे लई उन्हां शहीदां दे हक दे विच हादा नारा मारन वास्ते असी कम से कम नूरपुर वेदी जरूर पहुंचीए। अगली बेनती जिहड़ी दविंदर सातली तुहानूं करनगे जी अगला एजेंडा जिहड़ा हुण धानां दी खरीद शुरू हो रही है बेशक सरकार ने इस चीज़ नूं टालन की कोशिश की 1 तों 11 किया लेकिन किसान मोर्चे दे जबरदस्त दबाव दे सदके पूरे देश दे विच इह खरीद सरकार नूं दोबारा फिर 1 तरीक ते शुरू करनी पई लेकिन साडे इलाके दे विच इह मंडियां अजे 2-4 दिन शुरू हो गई मंडियां का प्रबंध वधिया चला किसानों नूं कोई दिक्कत ना आवे जो पंजाब दे विच सस्ते भाव बाहरों धान ला के बिकता जो बारदाने की समस्या आती जो मंडी दे विच पानी दे चौकीदारां दे संबंधां च घाट आती जो आड़तियां किसानों दे विच फसल नूं मोचर दे विच जो दिक्कत समस्यावां आ गईआं खरीदण च उस दे बारे विच इह फैसला लिया गया
के समूह किसान जथेबंदियां वख वख मंडियां दे विच वख वख आड़तियां दे नाल 7 तो 9 तारीख तक मतलब परसों तो शुरू होके 2-9 तारीख तक इन्हां दे नाल सांझियां मीटिंगां करके अपनी इस बारे प्रबंधा सुधार लैण वास्ते गलबात करनगियां। नाल ही कह पाखे आ जांदा मार्केट कमेटी दे ध्यान विच वी गल आणी चाहुंदे आ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਮਹਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕੋਰਮੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਡੰਗ ਟਕਾਊ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਡੰਗ ਪਾਊ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਟੋਇਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਾਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਅੜਚਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਿਦਇਨ 24 ਆਵਰਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਆ ਕੇ, ਧਾਨ ਆ ਕੇ, ਕਣਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਫਿਰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਥੀ ਜੀ ਕਰ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਖਾਮੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ, ਕਿਆ ਸਿਫਤਾਂ, ਕਿਆ ਘਾਟਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ,
कि लड़ रहे हैं क्योंकि अज कले कले बंदे दी किसी दी गल नहीं है, कट्ठे होके आपां हमला मारांगे तदे आपां इन्हां सरकारां नूं नत्थ पा सकांगे। सो मेरे वीर ने दस्सिया जिहड़े चिप वाले मीटर है वह सरकारी मुलाजम जबरदस्ती ला रहे हैं, उन्होंने बेनती की जाती है जिहड़े मीटर है यह घातक है, मीटर अपने आम बंदे दे बस दा रोग नहीं है। इस करके जे पिंड दे विच मीटर लाउणा भी है तो पिंड की सहमति या किसी वाटर सप्लाई दे जो कमेटियां है उन्होंने पुछ के लाया जाए ताकि विरोध करके अगे डिसूज ना बधे आपस विच ही, क्योंकि तालमेल किसानों का और महकमे का ये ज्यादा पार ना पवे। तो मैं बेनती करता जेडे भी मीटर लाने हैं उन्होंने मीटरों बिल्कुल उन्होंने सहमति न लाया जाए, क्योंकि आने वाले समय के जो चिप वाला मीटर है ये एक तो यदा जोड़ा पैसे है वो साढ़े गल कंज्यूमर के गल पैने है, दूजी गल है रीचार्ज सिस्टम हो जाना है उद्देश आम जोड़ा गरीब बंदा है वो इनू आप नहीं रीचार्ज करा सकेंगे, क्योंकि बिल आते अगे दो दो महीने बाद कुछ दिन बाद जोड़ा गरीब बंदा सी बिल देता सगा। सो चिप सिस्टम के नाल जो गरीब बंदे उसकी बिजली बिल्कुल खत्म हो जानी है, बिजली उद्देश घर चलनी नहीं है, जदों तक पैसा नहीं जाना उदों तक बिजली नहीं चलनी। सो बेनती की जाती है कि जो मीटर लाने हैं तो जथेबंदियों की सहमति नाल जां संयुक्त मोर्चे के नाल गल करके तो मीटर लाए जाने महकमे नूं बेनती की जाती है। प्लान किया मीटर लाने का वो ना लायो, तो जेडे मीटर पिंड लग चुके ने असी तुहानू अल्टीमेटम दिंदे आ संयुक्त किसान मोर्चे वालों 15 तरीक तो पहला पहला जेडे मीटर तुसी पिंड लाए ने उन्होंने तुसी जेड़ा हैगा पट लवो, उन्हां दी जगह उही पुराने मीटर जिहड़े पहलां लगे सी उही फिट कर दिओ, नहीं फिर तुहाडे खिलाफ जिहड़ा कोई सख्त एक्शन जथेबंदियां लैणगियां फिर बाद दे विच इह तुहाडी जिम्मेवारी होएगी किसी भी तरह की, क्योंकि इलाके दे विच पिंडां दे विच खास करके इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध है। हर दिन सानू जिहड़े 50 तों 100 कॉल्स इसे करके आउंदियां ने कि साडे पिंड आए हुए सी इदां उदां, असीं लोकां नूं बड़ा धीरज दे के उन्हां नूं ठंडे रख्या होया, कल नूं फिर लोग जिहड़े एक्शन तुहाडे अधिकारियां ते लैणगे। इस तों पहलां तुसीं इस गल नूं जिहड़ा समझ लो, ये मीटरां दा जिहड़ा हैगा रोला ये खत्म करके जिहड़े मीटर लगे ने उहनां नूं दुबारा पट लो, पुराने मीटर उत्थे लगा दो। अगला जिहड़ा मसला है साडा वो मक्की दे खराबे दे मुआवजे बारे है, उहदे बारे तुहानूं हरप्रीत सिंह भट्टों जी सारी जानकारी देणगे। जी पहलां तां सारिआं नूं हथ जोड़ के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे किसान वीरां ने रोपड़ दा जिहड़ा इलाका सीगा असीं 6 तरीक नूं इक वड्डा धरना लाया सीगा, उत्थे प्रशासन आ के सानूं इक आश्वासन दे के गया सीगा वी तुहाडे विच गदावरियां करा के 25 तरीक नूं तुहानूं सरकार इक अलाउंस करूंगी वी तुहाडा इन्ना गदावरी जिहड़ा अपना जिहड़ा बणदा है मुआवजा बणदा है। ते हुण तक अज देख लो डेट 5 तरीक हो गई है ते हुण तक किसी सरकार ने किसी महकमे ने सानूं कोई ऐलान नहीं कीता। असीं यही मंग करदे आ भी 1-2 दिन के अपना जो अलाउंस कर दो भी साडा किन्ना मुआवजा बनता है, जे 1-2 दिन के अलाउंस नहीं होया तो एक दोबारा एमरजेंसी मीटिंग जथेबंदी की बुलाई जाऊंगी तो इन्हां सरकारां विरुद्ध एक बड़ा एक्शन है वो जिहड़ा तय किया जाऊंगा जी। अगला जिहड़ा एक मेन एजेंडा आ गया जिस तरीके दे नाल बीजेपी के खिलाफ साडे देश विच एक संयुक्त मोर्चे का सद्दा दे उन्हां दे लीडरां दा असीं घराओ करांगे, दाखल नहीं होण दवांगे, पढ़ नहीं दवांगे पिंडां च, बाकी पार्टियां नूं भी असीं बाकी पार्टियां दे जिहड़े आगू आ होर आ उन्हां प्रति भी साडी इह समझ आ वी उन्हां नूं भी तिखे सवाल कीते जाणगे मोर्चे वल्लों आम लोकां वल्लों। एक पक्ष होर आया देखण दे विच राजसी पार्टियां किसान मोर्चा संघर्ष कर रहा, संयुक्त किसान मोर्चा अंदोलन लड़ रहा, राजसी पार्टियां उसका भी लाहा लैण दा यतन करदियां, राजसी पार्टियां बाहरों झोना लिया के जो बेचते हो सारा कुछ जिहड़ा पक्ष है किसान अंदोलन का हिस्सा जिहड़ा मंडियां दे विच खलौण का राजसी लाहा मोर्चे ने संघर्ष लड़िया 31 दी 11 दी 1 तरीक कराई गए मुड़ के, लेकिन राजसी पार्टियां खास तौर पर मैं नाम लेना चाहना अकाली दल वाले इस संघर्ष में तारपीडो करने का यतन करते हैं, अपने नाम लैण की कोशिश कर रहे हैं। उस राजसी पार्टियां सारे लीडरों चाहे बीजेपी का किसी भी पार्टी का होवे उन्होंने चेतावनी देने बारे मैं रुपिंदर को बेनती करना दो गल करें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिहड़ा वीर जी ने मसला दस्या जो साडे संयुक्त किसान मोर्चे का एक हुक्म है भी असी कि पार्टी का विरोध करना, किन्हां नूं असी क्वेश्चन पुछने,
असी सारे पार्टियां नूं बेनती करने खासकर बीजेपी वालियां नूं वी तुसीं इन्हां कम्मां ते आवाज़ आ जाओ तुसीं इह कम्म ना करो इलाके विच नवीं जो तुसीं पिरत पाणी शुरू करी लोकां दे घरां विच जा के जे तुसीं इहो जिहा कम्म करोगे तां तुहाडा उदां दा ही विरोध करांगे जिदां दा असीं परसों रात करिया। अगली गल जिहड़ी गल है बाहरों झोना आण दी, झोना कोई छोटा बंदा नहीं लिया, बड़े बंदे लिया है, साडे जथेबंदियां दा इह फैसला है। असीं सारी सड़कां जाम करके जिहड़ा झोना साडे हत्थ आ गया असीं उह देवांगे नहीं, उह सारा झोना किसान जथेबंदियां दा होऊंगा। अगली गल आ गई जी अगली बेनती है जिहड़ी उह राजसी पार्टियां बारे है, क्योंकि पिछले दिनां दे विच तुसीं देखिया कि जदों झोने की खरीद नूं लैके केंद्र सरकार ने एक नादरशाही फरमान किया कि झोने की जिहड़ी खरीद है वह 11 तरीक तो शुरू होएगी, उसनों लैके पूरे पंजाब भर के संयुक्त किसान मोर्चे वालों जिहड़े कांग्रेस विधायक सीगे उन्होंने घराऊ किए गए, तो इहदा प्रैशर हरियाणे दे विच बीजेपी का घराऊ किया गया, हर एक सरकार का घराऊ करके प्रैशर क्रिएट होया जिहदे करके केंद्र की सरकार नूं इह फैसला बदलना पिया। उन्होंने 2 तरीक के धरने तो बाद 3 तरीक नूं जिहड़े मंडियां दे विच खरीद है वह शुरू कर दिती, लेकिन कुछ राजसी पार्टियां फिर एक मैं पहला गल क्लीयर करनी चाहुंदा, कुछ लोग कहिंदे ने कि यह बंदे जिहड़े हैगे खास करके इक्को पार्टी ते निशाने लाई जांदे, सानूं कोई भरावो कोई सानू ज़्यादा चा नहीं चढ़िया इक्के पार्टी नूं टारगेट करन दा, लेकिन उहदियां जिहड़ियां करतूतां उस पार्टी दियां वह है ही इसे लाग के मुड़ घिड़ के उन्होंने जिहड़ा साडे टारगेट होना पै जांदा, क्यों किसानां ने कीता घिराओ ते किसानां दी प्राप्ति नूं जिहड़ा उह राजसी पार्टी अपनी प्राप्ति दसी जांदा कि श्रोमणी अकाली दल ने घिराओ कीता उन्हां दे संघर्ष करके झोने की खरीद जिहड़ी पहलां आ गई। किते ना किते असीं इह समझदे हां श्रोमणी अकाली दल नूं सत्ता दे विच आउण दा जिहड़ा बहुत ही ज़्यादा उतावले है, वह हर कोई हथ कंडा अपनाउणा चाहुंदे कि किसे ना किसे तरह जाके असीं सत्ता की कुर्सी ते बह जाइए, तो झूठ का जिहड़ा प्रचार कर रहे लोगों नूं गमराह कर रहे। वह भरावो मैं उन्हां पार्टी नूं भी बेनती करदा तुसीं मुद्दियां दी राजनीति करके सत्ता दे विच आओ, थानू सानू तुहाडे तों कोई अफसोस नहीं, लेकिन तुसीं किसानां दे कीते हुए काम का क्रैडिट लैके तुसी किसानां दीआं प्राप्तियां नूं अपनियां प्राप्तियां दस के लोकां नूं गमराह ना करो। लोकां दे विच मैं एक सियाणी गल तुहानूं कहणी चाहुंदा जे तुसी सियाणे हो, लोकां दे विच तुहाडियां इन्हां झूठां दा इन्हां जिहड़ियां हैगा गमराह कुना विचारां दा जां फिर तुहाडे बयानां दा बहुत गलत प्रभाव जांदा, तुहाडी कदरां कीमतां लोकां चों घटदियां ने, इस करके अजिहे बयान ना दो। दूजा साडे सोशल मीडिया ते कई लोग कह रहे ने कि बीजेपी के लीडर यार परसनली किसी के घर जाते तुसी उत्थे भी विरोध करते, वो भरावो मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि बीजेपी ने एक नवा एजेंडा तैयार कर लिया कि जे तुसी पिंड की किसी सांझी सत्थ दे विच जाओगे तां तुहाडा पिंड वाले विरोध करनगे, तुसी परसनली एक बंदे दे घर प्रोग्राम रखो सारे पिंड नूं उत्थे इनवाइट करके वो जिहड़ा राजसी प्रोग्राम है उन्हूं जिहड़ा अमल दे सको, वो इस तरह की नीति दे नाल चलदे ने। इस करके मैं कहना भाई इन्हां दा कोई इरादा किसी नूं मिलण गिलण वाला नहीं, जे किसी नूं मिलने वाला इरादा होवे तां कल्ले उस घर दे विच जाण जिस घर दे विच असीं इन्हां दा अज तक घराओ कीता, उत्थे बकायदा 50 तों 100 कुर्सी लगी हुंदी, हलवाई लगे हुंदे, खाण पीण दा पूरा प्रबंध हुंदा, सिर्फ इन्हां ने जगह बदली नीयत नहीं बदली, इस करके इन्हां दा घराओ हो रहा। अगे वास्ते भी मैं कहना सरकार नूं भी चेतावनी दिंदा ते प्रशासन नूं भी कहना कि जे हुण किसे पिंड दे विच बीजेपी लीडर ने प्रोग्राम किया फिर वह अपना जिम्मेवार खुद होएगा। किसानां दे विच पूरा रोह है, असीं भी जिहड़े हैगे आ हुक्म दे बज्जे आ, जदों किसान आप उतावले हो जांदे किसानां दे विच इन्ना गुस्सा है बीजेपी सरकार दे खिलाफ कि वह एक गल सुन तां दूर वह इन्हां दा मूँह देखना पसंद नहीं करते। इस करके मैं बेनती करदा कि पिंडां दे विच हुण जिहड़े तुसीं प्रोग्राम है वह बंद कर दो, तुसीं अपने महलां दे विच बैठो, थोनू किसानां दी कोई परवाह नहीं, जे थोनू परवाह हुंदी तां तुसीं अकाले कानून ना बणांदे। इन्नियां कु बेनतियां जिहड़ियां प्रवान करियो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जांदे 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 इक बेनती है जी कि इह मामला उभारिया बहुत गया, हाँ जी एक साडे हत्थ शिकार आया नलोटी दे विच पहलां फेमस हो गया था, जिदन पहलां भज गया था, लेकिन जिहड़ा हुण ताज़ा होया साडे घेरे च आ गया, लेकिन जिंदा कहिंदे ने वी कंध तों छाल मार के भज गया, जिहड़ा हवाई जहाजां ते उड़दा सी
ਪੁੰਜਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਜਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਬੀ ਚਹਿਣਵੇਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਓ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਪੁਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ।